झारखंड के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। वहीं 22 जनवरी से ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी, जो अगले दिन भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 24 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध के बाद दोपहर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्यवासियों को ठंड से अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं सुबह में कोहरा या धुंध भी खूब रहेगा। राज्य के कई जिलों में कुहासा और तेज हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। राजधानी रांची में ठंड बढ़ गई है। बता दें कि आज से 21 जनवरी तक राज्य में सुबह में कोहरा या धुंध रहने के कारण ठंड रहेगी। इसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं 22 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं 23 जनवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अगले दिन यानी 24 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा तथा बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में कई जिलों में इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, कोडरमा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, रांची, खूंटी और गुमला जिला में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।